अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाप्त। मिलिट्री कोर्ट भेजे गए मुलजमान पर सेक्शन 2D1 लगाई गई है या 2D। जस्टिस यहया अफरीदी के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि कल के बाद इसी मामले की वजाहत जरूरी हो गई है। अभी तक सेक्शन 2D लगाई गई है। अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि सेक्शन 2D1 का इतलाक बाद में हो सकता है, आज के दिन तक 2D2 का ही इतलाक हुआ है। अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि कैसे तयन होगा, मुलजमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, माजी में सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, माजी की ऐसी मिसालों के अलग हकायक अलग वजूहत थी। जस्टिस एजाज रसन के रिमार्क्स, जस्टिस आयशा मलिक बोली FBN केस कहता है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, यह केस सिविलियन के अंदर ताल्लुक की बात करता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक ये कौन सा ताल्लुक होगा जिस पर ट्रायल होगा, जो कुछ भी होगा वो आईनी तरमीम से ही हो सकता है। अजीज भंडारी के रिमार्क, जबकि जस्टिस उमर अताब बंदियाल बोले हम हवा में बात कर रहे हैं।